Hello everyone. So students, today we'll deal with the topic extrusion. So extrusion क्या होता है इसके बारे में जानेंगे, और ये सब्जेक्ट कोड 302 का टॉपिक है आपका, एंड इट कम्स इन द यूनिट 1.4. सो क्या होता है एक्सट्रूजन ये जानेंगे और देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स एंड व्हाई दे आर सो इम्पॉर्टेंट. सो फर्स्ट थिंग इज इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. सो होता है क्या, बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप डाई के अंदर मटेरियल को रखते हैं. जो आपका मटेरियल होगा वो मेटालिक हो सकता है, वो आपका प्लास्टिक का हो सकता है, वो आपका और भी अदर मटेरियल का हो सकता है. तो आप उसको मटेरियल को रखेंगे और उस मटेरियल को आप पीछे से धक्का देंगे रैम की मदद से, प्लंजर की मदद से, और वो मटेरियल जो डाई में आपने रखा है वो डाई के अंदर एक छोटा सा होल होगा, उस होल के अंदर से वो निकलेगा. फॉर एग्ज़ाम्पल टूथपेस्ट को आप जो सुबह निकालते हैं, दैट इज़ अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूजन. तो उसी तरह से आप जब प्रेशर डालते हैं तो वो डाई की जो ओपनिंग होती है, जैसा उसका शेप होता है वैसा वो मटेरियल बाहर निकल जाता है. So it is a manufacturing process in which a block of metal enclosed in a container is forced to flow through the opening of a die. The metal is subjected to plastic deformation and it undergoes reduction and elongation. Basically it is an adaptation of open die forging. So what I want to tell you is that this is, you know, a process which has been expanded, and it is, for example, a process लाइक वी यूज़ टू डू इन ओपन डाई फॉर्जिंग. उसमें क्या होता था, फॉर्ज करते थे हम लोग मटेरियल को, डाई के अंदर डालते थे, ऊपर से प्लंजर आता था, हैमर आता था आपका. उसी तरह से एक्सट्रूजन उसका एक्सटेंशन कह सकते हैं आप. सो यूजेस क्या है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सॉलिड एंड होलो सेक्शंस फॉर नॉन फेरस मेटल्स एंड अलॉयज. आप होलो सेक्शंस बना सकते हैं, सॉलिड सेक्शंस बना सकते हैं, स्लाइडिंग डोर्स आप बना सकते हैं, जो उनकी एजेस होती है उस तरह के एंगल्स बना सकते हैं, वेरियस क्रॉस सेक्शंस, डोर्स, विंडोज, फ्रेम्स बना सकते हैं उनके. सो दीज आर सम ऑफ द एप्लीकेशन. ये एक टिपिकल डायग्राम है, यू कैन सी इट. सिलेंडर दे रखा है आपको, एंड देयर इज डाई, देन देयर इज एक्सट्रूडेड मेटल और मटेरियल वट एवर, देन द रैम इज देयर, डमी ब्लॉक इज देयर. डमी ब्लॉक बेसिकली आपका फोर्स देगा, और आप देखेंगे डमी ब्लॉक के बीच में और सिलेंडर के बीच में थोड़ा सा गैप है, दैट इज़ फॉर द लुब्रिकेशन पर्पस. ओके फाइन. सो क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन है, डायरेक्ट होता है बाय डायरेक्शन. एक डायरेक्ट एक्सट्रूजन होता है, दूसरा होता है आपका इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन होता है. उसके बाद ऑपरेटिंग टेम्परेचर, ठंडे टेम्परेचर, गर्म टेम्परेचर के साथ हॉट और कोल्ड की से क्लासिफाई किया गया. देन बाय इक्विपमेंट, हॉरिजॉन्टल इक्विपमेंट होगा तो हॉरिजॉन्टल बोलेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में कर रहे हैं तो वर्टिकल बोलेंगे. डायरेक्शन से अगर क्लासिफाई कर रहे हैं, सिर्फ डायरेक्शन की बात करें तो देखते हैं डायरेक्ट एक्सट्रूजन में क्या होगा. स्टूडेंट्स जस्ट लुक कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे रैम का जो डायरेक्शन है और जो फाइनल मेटल जो निकल रहा है उसका डायरेक्शन है, इट इज़ सेम, इट इज़ नॉट डिफरेंट. सो व्हाई वी कॉल इट डायरेक्ट एक्सट्रूजन, बिकॉज यू नो रैम इज पुटिंग अ प्रेशर फ्रॉम बैकवर्ड्स एंड द मेटल बिलेट इज कमिंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. द डायरेक्शन इज सेम, यू कैन सी द एरो, द ब्लू एरो एंड द ग्रीन एरो. So this is die, this is your extruded product, and these are container. Okay, so it is a process which the metal billet placed in a container is forced by ram to pass through die. In this type, the direction of the flow of metal is in the same direction that of the ram. So you need to understand this thing ki direction same hoga. Theek hai, ram ka direction this is ram ja rahi udhar hi bahar nikal raha hai, metal ka direction hoga. इनडायरेक्ट में क्या होगा, आपका जस्ट अपोजिट होगा. इसके अंदर एक आपका जो रैम यूज़ कर रहे हैं आप, वो हॉलो होता है बीच में से, और देखिए ब्लू लाइन आपको क्या दिखा रही है, ये तो आगे की तरफ जा रहा है लेकिन जो मटेरियल है वो पीछे की तरफ आ रहा है. तो इसीलिए इसको हम इनडायरेक्ट एक्सट्रूजन भी कहते हैं. ठीक है, ये हॉलो रैम लिमिट से अप्लाइड लोड, लेकिन इसमें रैम जो होती है वो हॉलो होती है, तो उसकी जो लोड बियरिंग कैपेसिटी है, लोड अप्लाई करने की कैपेसिटी, वो डिक्रीज होती है. दिस इज़ वन ऑफ द यू नो मेजर डिसएडवांटेज. सो ऑपरेटिंग टेम्परेचर पर अगर हम बात करते हैं तो हॉट होता है और एक कोल्ड होता है, सॉरी. तो हॉट एक्सट्रूजन में क्या होगा आपका, इट इज़ डन एट अ फेयरली हाई टेम्परेचर, अप्रॉक्सीमेटली 50-75% ऑफ द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ मेटल. मान लीजिए अगर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो आप 75% या मान लीजिए या 50% अप्रॉक्सीमेटली उस टेम्परेचर तक जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर 100 है तो 50 डिग्री या फिर 75 डिग्री इतने तक आप इसको हीट करेंगे, और उसके बाद अगर एक्सट्रूजन करते हैं आप तो दैट विल बी क्लासिफाइड अंडर हॉट एक्सट्रूजन प्रोसेस.
डाई लाइफ एंड कॉम्पोनेंट्स आर अफेक्टेड ड्यू टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विच मेक्स लुब्रिकेशन नेसेसरी। डाई लाइफ डिक्रीज होती है कंपैरेटिवली क्योंकि इसके अंदर टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा हाई होते हैं तो लुब्रिकेशंस का काफ़ी रिक्वायरमेंट होती है। प्रेशर रेंज होंगे आपके 35 से 700 मेगापास्कल। हॉट के अंदर लुब्रिकेटेड होता है, एक नॉन लुब्रिकेटेड होता है और एक हाइड्रोस्टैटिक होता है। देखते हैं लुब्रिकेटेड में क्या होगा। बिफोर द बैलेट इज इंसर्टेड इनटू द हॉट एक्सट्रूजन कंटेनर अ सूटेबल लुब्रिकेटिंग सिस्टम इज पोजीशन इमीडिएटली अहेड ऑफ द डाई इन ऑर्डर टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपका लुब्रिकेशन ग्लास या फिर लुब्रिकेशन ग्रीस आपको लगा दिया है पहले ही, ठीक है। मेटल आपने पोर किया नहीं, उससे पहले आपने इस लुब्रिकेशन को अप्लाई किया ताकि जो फाइनल जो मेटल निकले डाई के अंदर से वो फ्रिक्शन उसमें कम हो सके। तो ऑयल यूज़ कर सकते हैं, ग्रेफाइट यूज़ कर सकते हैं एट लोअर टेम्परेचर, वैसे हाई टेम्परेचर पे आप ग्लास पाउडर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नॉन लुब्रिकेशन में क्या होगा, नो लुब्रिकेशन इज़ यूज्ड ऑन द बेलेट कंटेनर और डाई फॉर रिड्यूसिंग फ्रिक्शन स्ट्रेसेस, तो लुब्रिकेशन यूज़ नहीं करते। इट हैज़ द एबिलिटी टू प्रोड्यूस वेरी कॉम्प्लेक्स सेक्शंस विद एक्सेलेंट सर्फेस फिनिशेस एंड लो डायमेंशन टॉलरेंसेस। सॉलिड एंड हॉलो डाइज विद फ्लैट शेयर फेसेस आर टिपिकली यूज। तो यहाँ पर लुब्रिकेशन यूज़ नहीं होंगे, सब एक कुछ बेनिफिट्स ये हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्स शेप्स आप बना पाते हैं और सर्फेस फिनिश भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता है। देखिए हाइड्रोस्टैटिक इज़ नॉट इन योर सिलेबस बट इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, सो आई विल जस्ट टेल यू। इन द हाइड्रोस्टैटिक एक्सट्रूजन प्रोसेस द बिलेट इज कम्प्लीटली सराउंडेड बाई प्रेशराइज लिक्विड एक्सेप्ट वेद द बिलेट कॉन्टेक्ट्स द डाई। देखिए डाई के अलावा जो पूरा सर्फेस होता है बिलेट का वो चारों तरफ से वाटर से ढका हुआ होता है, ठीक है, और डाई की जहाँ ओपनिंग है उस जगह को छोड़ के। द रेट विद विच द बिलेट मूव्स वन प्रेशर प्रेसिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द डाई इज दस नॉट इक्वल टू द रैम स्पीड बट इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेस हाइड्रोस्टेटिक मीडियम वॉल्यूम। देखिए पर इसमें वाटर का क्यों यूज़ कर रहे हैं, वाटर का इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि आपको पता है पास्कल लॉ आपने पढ़ा होगा कि जब आप फोर्स लगाते हैं तो इक्वल एंड हर पॉइंट पे हर डायरेक्शन में इक्वल प्रेशर फोर्स आपका अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो ये पास्कल लॉ का ही प्रिंसिपल यूज़ होता है। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो प्रेशर लग रहा है बिलेट के ऊपर वो यूनिफॉर्म लगता है, इसकी वजह से आप क्या होता है जो मटेरियल बिलेट जो थोड़ा ब्रिटल होते हैं मटेरियल उनको भी एक्सट्रूड कर पाते हैं आप इस प्रोसेस से। द प्रोसेस मस्ट बी कैरिड आउट इन अ सील सिलेंडर टू कंटेन द हाइड्रोस्टैटिक मीडियम। प्रेशर रेंज हो सकते हैं 1400 मेगापास्कल अप्रॉक्स तक, ठीक है। एडवांटेज क्या है, सबसे पहला एडवांटेज तो ये है लार्ज फ्रिक्शन फोर्सेस हैं वो नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि चारों तरफ वाटर से सराउंडेड है, हाइड्रोस्टैटिक मीडियम से सराउंडेड है, वाटर ही नहीं ऑयल भी हो सकता है। पॉसिबल टू यूज़ डाइज विद अ वेरी लो सेमीकोन एंगल, ये वी डोंट हैव टू गो इनटू दैट मच टेक्निकल डिटेल्स। वैसे बेसिकली ये कोन एंगल की बात करता है, कोन एंगल इसलिए दिया जाता है ताकि फ्रिक्शन आपका कम किया जा सके। दिस प्रोसेस कैन बी डन हॉट वार्म और कूल, हाउ द टेम्परेचर इज लिमिटेड बाय द स्टेबिलिटी ऑफ द फ्लूइड। आप ये हाइड्रोस्टैटिक्स जो प्रोसेस है उसको कूल भी कर सकते हैं, हॉट भी कर सकते हैं और आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर्स पे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान रखना होगा कि ऐसा ना हो कि बहुत हाई टेम्परेचर की वजह से जो फ्लूइड अपनी प्रॉपर्टी लूज़ करने लग जाए। लिमिटेशंस क्या है, नॉट सूटेबल फॉर हॉट वर्किंग ड्यू टू प्रेशराइज्ड लिक्विड, बहुत ज़्यादा हॉट वर्किंग पे नहीं कर सकते हो आप। प्रैक्टिकल लिमिट है 7.75 गीगापास्कल, क्योंकि ऐसी हमारे पास इससे ज़्यादा स्ट्रेंथ बियर करने के वाले कंटेनर हम डिज़ाइन नहीं कर पाते हैं। एंड द लिक्विड शुड नॉट सॉलिडिफाइड हाई प्रेशर दिस लिमिट से ऑब्टेनेबल। देखिए ऐसा होता है कई बार कुछ लिक्विड्स होते हैं बहुत हाई प्रेशर पर वो सॉलिडिफाई होने लग जाते हैं, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू रिटेन देयर लिक्विड स्टेट, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। एप्लीकेशन से क्लैडिंग ऑफ मेटल, मेकिंग वायर्स ऑफ लेस डक्टाइल मटेरियल, न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूज रॉड्स के अंदर काम आता है। एडवांटेज क्या है हॉट एक्सट्रूजन का, कॉम्प्लेक्स सॉलिड और हॉलो शेप्स कैन बी प्रोड्यूस, आप बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स शेप्स प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है, छोटी क्वांटिटीज़ को आप कमर्शियल तरीके से प्रोड्यूस कर पाते हैं, ठीक है। डिलीवरी टाइम्स आर ऑफन फार शॉर्टर देन ऑल्टरनेटिव प्रोसेस, सो योर डिलीवरी टाइम विल बी रिड्यूस सब्सटेंशियली। लिमिटेशंस क्या है, पहली बात तो हाई इक्विपमेंट कॉस्ट आती है, डाई जो मटेरियल है जो भी आपके पास इक्विपमेंट है बहुत कॉस्टली आते हैं बिकॉज दे नीड टू बियर हाई टेम्परेचर एंड हाई स्ट्रेसेस। जो एक्सट्रूजन प्रोसेस फॉर मेटल्स इज वेरी हाई टेम्परेचर्स, ठीक है, डाई इज प्री हीटेड इंक्रीज लाइफ, सो देर आर चांस ऑक्सीडेशन ऑफ हॉट बिलेट। डाई को पहले गर्म किया जाता है ताकि लाइफ बढ़ सके डाई की, लेकिन उसकी वजह से क्या होता है बिलेट का ऑक्सीडेशन हो सकता है, इसकी वजह से आपको लॉस हो सकता है क्वालिटी के अंदर। प्रोसेस वेस्टेज काफ़ी ज़्यादा होती है, ठीक है, होमोजीनियस नहीं हो पाता प्रॉपर तरीके से क्योंकि सॉलिडिफिकेशन रेट डिफरेंट होती है मटेरियल की। अब अगर टेम्परेचर से बात करते हैं दूसरा तो वही क्लासिफिकेशन कोल्ड एक्सट्रूजन। कोल्ड एक्सट्रूजन में क्या होता है, प्रोसेस डन एट रूम टेम्परेचर,
या फिर थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे करेंगे आप इसको, ठीक है। ये उन दिस द प्रोसेस कैन बी यूज फॉर मटेरियल्स दैट कैन विदस्टैंड द स्ट्रेस क्रिएटेड बाय एक्सट्रूजन। ऐसा होता है कि कुछ मटेरियल अपने स्ट्रेस बियर कर पाते हैं लो टेम्परेचर्स के ऊपर भी, तो वो मटेरियल यहाँ पे सूटेबल होते हैं, वो क्रैक नहीं होंगे, ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। एडवांटेज, इंप्रूव मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ आपको काफ़ी अच्छी मिलती है। गुड कंट्रोल डायमेंशन टॉलरेंसेज, डायमेंशन टॉलरेंसेज आपको हॉट एक्सट्रूजन के कंपैरिजन में ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। सरफेस फिनिश आपको हॉट से ज़्यादा अच्छी यहाँ मिलती है। हीटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, टाइम बचता है, ऑक्सीडेशन नहीं होता, तो क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ता। डिसएडवांटेज क्या है, टूलिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि जो फोर्स है, जो प्रेशर है, वो काफ़ी ज़्यादा लगाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि आप यहाँ पे मेटल के जो लोअर टेम्परेचर्स पे ऑपरेशन कर रहे हैं, एंड एट दोज टेम्परेचर मेटल इज़ मोर रिजिड। फ्रिक्शन प्रोडक्ट लॉट साइज इज रिक्वायर्ड, स्पेशल कोटिंग इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शंस एंड टू मेंटेन अ लुब्रिकेंट फिल थ्रू आउट, लिमिटेड डिफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड। बहुत ज़्यादा डिफॉर्मेशन आप इससे नहीं ले सकते, लिमिटेशंस होती हैं। इम्पैक्ट एक्सट्रूजन, दिस इज़ नॉट इन योर सिलेबस अगेन, बट यू कैन जस्ट हैव अ लुक, आप रीड कर सकते हैं खुद अपने आप से। यहाँ पंच होता है, ऊपर से गिरता है और नीचे की तरफ वो एक्सट्रूड हो जाता है, यू कैन जस्ट रीड बाई योर सेल्फ, इट वेरी सिंपल। एप्लीकेशन क्या इम्पैक्ट एक्सट्रूजन की, ये भी आप पढ़ सकते हैं, ओके। डाई मटीरियल्स, दिस इज़ अगेन नॉट इन योर सिलेबस, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, जो कॉमनली यूज मटीरियल्स है वो टूल स्टील्स होते हैं, कार्बाइड्स होंगे, डायमंड डाइज भी आप यूज़ करते हैं, ठीक है, फाइन वायर्स बनाने के लिए। इम्प्रूव वियर रेजिस्टेंस के लिए आप स्टील डाइज यूज़ करते हैं, क्रोमियम प्लेटेड हो सकती हैं, वो कार्बन डाइज हो सकती हैं, टाइटेनियम नाइट्राइड की हो सकती हैं। हॉट ड्राइंग के लिए आप का स्टील डाइज को यूज़ कर सकते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। सो आई थिंक स्टूडेंट्स, अब जो दिस एक्सट्रूजन टॉपिक इज पर्टिकुलर क्लियर एंड स्टिल यू हैव डाउट, यू कैन आस्क मी इन द क्लास एंड यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।